बिहार आजाद नगर थाना क्षेत्र में हुए अंधे कत्ल का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी नशे के आदि हैं व मृतक भी नशे का आदि था। मामूली विवाद के लिए युवक को मौत के घाट उतार दिया गया था। मामला आजाद नगर क्षेत्र का है, जहां मध्य रात्रि को पुलिस को सूचना मिली थी कि विराट नगर के खुले मैदान में युवक की रक्त रंजित लाश पड़ी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने गाड़ी नंबर के आधार पर युवक की शिनाख्त कर अक्षय सिलावट के रूप में की थी। जांच में पुलिस को अहम जानकारी हाथ लगी, जिसमें पाया गया कि मृतक नशे का आदि है। पुलिस ने कुछ नशेड़ियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की, जिसमें संदेही युवक पूछताछ में पुलिस के हाथ लग गया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि मृतक अक्षय नशे का आदी था और नशे की पुड़िया व पैसों के लेन देन में इनका विवाद हुआ था। विवाद को लेकर पैसों का काफी दबाव बना रहा था। इस बात पर आरोपियों ने अक्षय को विराट नगर के मैदान में बुलाया व वहीं बातचीत के दौरान अक्षय की गला रेतकर हत्या। आजाद नगर में 20 जुलाई 2019 की रात में एक अज्ञात मृतक का शव उसकी मोटरसाइकिल पर पड़ा मिला था। ये पूरी तरह से एक ब्लाइंड मर्डर था, जिसमें एसपी श्री यूसुफ कुरैशी, एडिशनल एसपी प्रशांत चौबे और सीएसपी आजाद नगर और टीआई आजाद नगर संजय शर्मा, इनकी पूरी टीम ने लगातार इसमें न सिर्फ प्रकरण की पतारसी में जो अज्ञात जो अंधा कत्ल था उसके जो अज्ञात मृतक था उसकी पहचान स्थापित करने में, उसके बैकग्राउंड के बारे में और इस पूरे घटनाक्रम में जो इसमें मुख्य आरोपी थे उनसे उनका पूरा खुलासा करने में मात्र 48 घंटे के अंदर सफलता पाई है। 2 दिन लगातार लग करके इस घटना के सारे पहलुओं पर बारीकी से तस्दीक करने पर और तमाम इससे जुड़े हुए जो लोग थे उनसे पूछताछ, काफ़ी बारीक पूछताछ करने के पश्चात इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ है। इसमें 3 आरोपी इस घटनाक्रम में सम्मिलित पाए गए हैं, जिनके नाम इस प्रकार से हैं। छोटू पंडित उर्फ रोहित शर्मा, ये मूसाखेड़ी इंदौर का रहने वाला है। दूसरा शुभम पिता उमराव सिलावट, ये भी मूसाखेड़ी इंदौर का है। और तीसरा विकास मीणा पिता शंभू मीणा, ये भी मूसाखेड़ी इंदौर का है। ये तीनों ने मिलकर के अक्षय सिलावट नाम के युवक की हत्या की थी। इसमें पूरा जो घटनाक्रम सामने आया था ये इस प्रकार से था कि 20 जुलाई की रात में 10:30 बजे मोटरसाइकिल पर एक अज्ञात शव पड़ा मिला था, जो जांच करने पर उसमें गंभीर चोट के निशान, चाकू की चोट के निशान गले पर पाए गए थे और उसी से हत्या, प्रथम दृष्टया उससे हत्या कारित होना स्पष्ट हुआ था। इसमें अज्ञात मृतक की पहचान के लिए जो मोटरसाइकिल, जिस मोटरसाइकिल पर यह पाया गया था उस मोटरसाइकिल के नंबर से उसके मालिक की पहचान की गई। मालिक से पूछताछ पर उसने ये मोटरसाइकिल बेचना बताया, जिसमें जब दूसरी कड़ी पर जब पूछताछ हुई तो इस व्यक्ति की जो पुरुष था उसकी पहचान अक्षय सिलावट के रूप में हुई। इसमें अक्षय के परिजनों को खबर की गई और मौके पर उन्होंने पहुंच करके इस अज्ञात शव को पहचान लिया। इसमें जब अक्षय के परिजनों से पूछताछ हुई तो उसकी पत्नी के बताए अनुसार और उसके मित्रों के बताए अनुसार इसमें इसकी दोस्ती कुछ नशा करने वाले लड़कों से थी। ये खुद भी नशे का आदी था और उसमें इसका लेन देन छोटू पंडित नाम के व्यक्ति से इसका होता था। कुछ रुपए इसको देना बाकी थे, जिसके लिए छोटू पंडित इसको लगातार प्रेशराइज कर रहा था और पुड़िया पीने के दौरान ही इन लोगों की आपस में दोस्ती हुई थी। इस उधारी वापसी के लिए रोहित उर्फ छोटू पंडित ने जब इसको दबाव दिया तो उसमें उसके साथ उसने अन्य 2 साथियों को भी इसमें सम्मिलित किया, जिनके नाम विकास और शुभम थे। और उसी लेन देन को लेकर के इसने, इन तीनों ने इसमें पहले षड्यंत्र किया और उसके बाद अक्षय को विकास के माध्यम से फ़ोन करके विराट नगर के खाली मैदान में बुलाया गया, जहां इसकी डेड बॉडी पाई गई थी। और वहां पर शुभम और विकास, जो इसमें अन्य 2 आरोपी थे, उनको रोहित ने स्कूटी दी, मौके पर भेजा और वहां पर अक्षय की हत्या करने के लिए चाकू भी दिया। और इन लोगों ने उसी मोटरसाइकिल पर बैठ करके बात करते समय इसको, जो अक्षय था, इसकी हत्या की है। और इस पूरे घटनाक्रम के खुलासे में कई लोगों से, लगभग 1 दर्जन जो संदेही और इनके जो दोस्त थे और परिजन थे, उनसे पूछताछ हुई। और इसमें ये भी बात सामने आई कि ये पंडित करके एक आदमी की बात इसमें प्राइमरली आई थी, जिससे पूरे क्लू का, इसमें जो क्लू है वो प्राप्त हुआ और इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ है। इसमें जो टीआई आजाद नगर की टीम है उसमें उपनिरीक्षक वीएस धुर्वे, उपनिरीक्षक प्रियंका अलावा, जितेंद्र सिंह प्रधानारक्षक, ताज मोहम्मद, कल्लू राठौर, अमित तिवारी, ओम प्रकाश यादव, लखन गुप्ता, नीलेश चौरे और लोकेंद्र सिसोदिया का सराहनीय योगदान रहा है।